कभी कर्ज लेकर चलाया ऑटो रिक्शा, आज करोड़ों रुपए की कंपनी के हैं मालिक, ऐसे बदली किस्मत। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिद पक्की पर, जहां आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी कर्ज लेकर चलाया था ऑटो रिक्शा, लेकिन ऐसी बदली किस्मत कि बन गए हज़ारों करोड़ों की कंपनी के मालिक। अगर आप भी इस शख्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड मिस ना करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक ऑटो ड्राइवर से लेकर भारत में बेवरेज इंडस्ट्री के दिग्गज बनने तक सत्य शंकर की सफलता की कहानी उनकी अटूट लगन और उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण है। वो आज भले 800 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक है, लेकिन कभी उन्होंने ऑटो रिक्शा भी चलाया है। भारत में पेय पदार्थों के बाज़ार में अपनी जगह बनाना आसान नहीं है, खासकर जब आप एक साधारण परिवार से आते हैं। इसके लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और मजबूत दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। सत्य शंकर की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा देती है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मुश्किलों का सामना करते हुए उनकी लगन और कड़ी मेहनत ने उन्हें एक ऐसा ब्रांड स्थापित करने में मदद की जो आज बेवरेज इंडस्ट्री में ग्लोबल दिग्गजों को टक्कर देती है। शंकर कर्नाटक के बेल्लारे गांव में ताल्लुक रखते हैं। वो एक किसान परिवार से आते हैं। उनका बचपन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। जीवन यापन के लिए उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर एक ऑटो रिक्शा खरीदा और शहर में चलाना शुरू कर दिया। लेकिन शंकर अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहे। कड़ी मेहनत से एक साल के भीतर ही ऑटो का कर्ज चुका दिया। बाद में उन्होंने अपना ऑटो बेच दिया और एक एम्बेसडर कार खरीद ली। मेहनत और लगन के बावजूद शंकर टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करके संतुष्ट नहीं थे, लिहाजा 1987 में उन्होंने अपने करियर में एक बड़ा बदलाव करने और ऑटोमोबाइल गैरेज उद्योग में कदम रखने का फैसला लिया। बाद में उन्होंने एक टायर डीलरशिप और ऑटोमोबाइल फाइनेंस कंपनी की भी स्थापना की। हालांकि उस समय तक शंकर अपने व्यवसाय के साथ काफ़ी बेहतर स्थिति में थे, फिर भी उनके मन में संतोष नहीं था। 2000 के दशक की शुरुआत में शंकर की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया जब उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उनके मन में एक और व्यावसायिक विचार आया जो जीरा के स्थानीय स्वादों से भरपूर पेय पदार्थ से जुड़ा था। शंकर ने बाज़ार में इस पेय की संभावना को पहचाना। एक अलग तरह का कार्बोनेटेड पेय बनाने के इरादे से शंकर ने 2002 में बिंदु फिज जीरा मसाला की शुरुआत की। इस स्थानीय पेय के अनोखे स्वाद और ताजगी ने जल्द ही लोगों का ध्यान खींचा और बाज़ार में धूम मचा दी। 2005 से 6 तक कंपनी ने 6 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल कर लिया था। साल 2010 में एसजी कॉर्पोरेट्स के प्रोडक्ट बिंदु फीस जीरा मसाला ने ज़ोरदार तेजी हासिल की। तब इसका कारोबार 100 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर गया। इस उपलब्धि ने भारत की बेवरेज इंडस्ट्री में ब्रांड की स्थिति मजबूत की। 2015 में बिंदु जीरा ने यूएई, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में निर्यात शुरू करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी की वैल्यू 2023 में 800 करोड़ रुपए की थी, जिसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। शंकर ने अपने बिजनेस आइडिया से अपनी किस्मत बदल दी। कहाँ वो कभी कर्ज लेकर ऑटो रिक्शा चलाया करते थे और आज 800 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक बन चुके हैं। उनकी ये कहानी दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।